नमस्कार दोस्तों, तो पोको F5 ऑफिशियली इंडिया पे लॉन्च हो चुका है। दो वेरिएंट पे लॉन्च हुआ है, एक का प्राइस है 30,000, दूसरे का प्राइस है 34,000 रुपीज। वैसे मैंने इसके साथ आईको न्यू 7 का कॉम्पिटिशन वीडियो बना दिया, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में देख सकते हैं, उसमें गिव अवे चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन इस वीडियो में देखेंगे कुछ महीने पहले जो इंडिया पे लॉन्च हुआ था पोको F4, क्या ये वाला स्मार्टफोन बेटर है? या पे जो नया वाला पोको F5 लॉन्च हुआ है, मतलब ऑब्वियसली नया वाला तो बेटर होगा, तो इस नए वाले फोन में इस पुराने वाले के मुकाबले कितना ज्यादा बेटर आपको ऑप्शन मिलेगा, इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिना कोई वक्त के बाद आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेटल चैनल पे नए हैं और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेटल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मैंने अपने खुद का रूल बनाया है। अगर फॉर एग्जांपल पोको F4 ये पिछले साल लॉन्च हुआ था, वही 28,000-29,000 पे लॉन्च हुआ था, जब कोई कंपनी सेम प्राइस पॉइंट में उसका नेक्स्ट जनरेशन कुछ महीने बाद लॉन्च करता है, तो मैं हमेशा ये चीज देखता हूँ कि लास्ट वाले एडिशन के मुकाबले इस नए वाले एडिशन में आपको कितने सारे अपग्रेड मिल रहा है। अगर मेरे रूल के हिसाब से एटलीस्ट 5 मामले में अपग्रेड मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको अपग्रेड कर लेना चाहिए, लेकिन अगर 5 से नीचे अपग्रेड मिल रहा है तो आपको डेफिनेटली एक्सचेंज या फिर अपग्रेड पुराने वाले डिवाइस को नहीं करना है, ये चीज ध्यान में रखना। तो दोनों स्मार्टफोन का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों के कलर को देख के। ये जो पोको F5 टोटल 3 कलर में अवेलेबल है, ब्लैक, ब्लू और व्हाइट, और जो पोको F4 वो आपको टोटल 2 कलर पे मिलेगा, ब्लैक और ग्रीन। अगर हम दोनों की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो जो लास्ट बार का पोको F4 उसके पीछे आपको मिल रहा था टोटली ग्लास बॉडी, और वो भी गोरिल्ला ग्लास 5 वाला ग्लास बॉडी आपको मिल रहा था, लेकिन इस बार आपको मिल रहा है टोटली पॉलीकार्बोनेट, मतलब प्लास्टिक का बैक कवर। डायमेंशन की अगर बात करें, पोको F4 का थिकनेस है 7.7 मिलीमीटर और वेट है 195 ग्राम, पोको F5 का थिकनेस है 7.9 मिलीमीटर और वेट है 181 ग्राम। वैसे तो होना ही था क्योंकि इस बार आपको प्लास्टिक मिल रहा था, इसीलिए फोन का जो वेट वो बहुत ही ज्यादा हल्का होगा, तो इसीलिए अगर आपको सबसे ज्यादा हल्का फुल्का स्मार्टफोन चाहिए तो उसके लिए पोको F5 इधर है डेफिनेटली बेटर। नेक्स्ट अगर दोनों की डिस्प्ले के बारे में बात करें, दोनों ही जनरेशन में आपको मिलेगा 6.67 इंच फुल एचडी प्लस 120Hz सुपर एमोलेड डिस्प्ले, दोनों पे आपको 92 से 93% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगा, और दोनों पे फ्रंट में आपको मिलेगा गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। लेकिन एक जगह पे डिफरेंस है, लास्ट बार आपको मिला था E4 सुपर एमोलेड, इस बार आपको E4 के बजाय मिलेगा 12 बिट वाला पैनल, मतलब एक्चुअली इस बार आपको मिल रहा है ज्यादा कलरफुल वाला डिस्प्ले, लेकिन लास्ट बार आपको मिल रहा था ज्यादा बैटरी सेविंग और बेटर कलर कॉन्ट्रास्ट वाला डिस्प्ले। इसके बाद पोको F5 में आपको मिल रहा है 240Hz का टच सैंपलिंग रेट और 1920Hz का PWM डिमिंग रेट, लेकिन F4 में आपको मिल रहा था 360Hz का टच सैंपलिंग रेट। दोनों पे ब्राइटनेस है 1300 nits का, इसके अलावा दोनों पे HDR10+ और Dolby Vision दोनों का सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, तो इसलिए इस जगह पे मेरे ओपिनियन के हिसाब से मुझे डिस्प्ले में दोनों डिवाइस ऑलमोस्ट सेम ही लगा। नेक्स्ट अगर दोनों के CPU के बारे में बात करें, पोको F5 में आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन 7 प्लस जनरेशन 2 प्रोसेसर जो कि 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है, पोको F4 में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर, ये 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है। पोको F5 का एंटूटू स्कोर है 10 लाख से थोड़ा सा ज्यादा, पोको F4 का एंटूटू स्कोर है 7,35,000 के आसपास, तो इसका मतलब दोनों फोन के अंदर अगर आपको सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस वाले फोन चाहिए तो उसके लिए F5 डेफिनेटली बेटर। अभी अगर हम दोनों की कूलिंग सिस्टम की अगर बात करें तो पोको F5 में आपको मिल रहा है 3,700 mm² के आसपास का वेपर कूलिंग चेंबर, पोको F4 में आपको मिल रहा है 3,100 mm² के आसपास का वेपर कूलिंग चेंबर, तो इसका मतलब बेटर क्वालिटी कूलिंग सिस्टम के मामले में पोको F5 इधर है डेफिनेटली बेटर। नेक्स्ट अगर कैमरे के बारे में बात करें, दोनों ही जनरेशन में आपको मिलेगा 64, 8 और 2 का रियर कैमरा और उसके साथ डुअल LED फ्लैश, और ये जो 64 मेगापिक्सल रियर कैमरा इसके साथ आपको मिलेगा OIS का ऑप्शन। लास्ट बार आपको मिल रहा था 20 मेगापिक्सल का सेल्फी, इस बार आपको मिल रहा है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी, तो मतलब मोर और लेस कैमरे के मामले में दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। रैम और वेरिएंट की अगर बात करें, पोको F5 का टोटल 2 वेरिएंट है, 8 256 GB और 12 256 GB, पोको F4 का आपको टोटल 3 वेरिएंट मिलेगा, 6 120 GB, 8 120 GB और 12 256 GB, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, पोको F5 का जो स्टार्टिंग वेरिएंट जो कि 8 256 GB एग्जैक्टली सेम प्राइस पॉइंट में आज के दिन में आपको फ्लिपकार्ट में मिलेगा 12 256 GB पोको F4 का, और इसके अलावा दोनों पे कोई भी डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट नहीं मिलेगा, मतलब SD कार्ड का स्लॉट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम दोनों के रैम और रोम क्वालिटी के बारे में बात करें, दोनों पे आपको मिलेगा LPDDR5 का रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज सिस्टम, तो इसका मतलब रैम रोम ये सब के कॉम्बिनेशन पे मेरे ख्याल से पोको F4 इधर है स्लाइटली बेटर। नेक्स्ट अगर बैटरी के बारे में बात करें,
इस बार आपको मिल रहा है 5000 mAh बैटरी 67W का चार्जर। लास्ट बार का F4 में आपको मिलेगा 4500 mAh बैटरी और 67W का चार्जर, और दोनों का ही कनेक्टिविटी USB Type-C। तो इसका मतलब बैटरी और चार्जर के कॉम्बिनेशन पे पोको F5 इधर है स्लाइटली बेटर। ऑडियो की अगर बात करें तो दोनों पे आपको मिलेगा डुअल स्पीकर और दोनों पे ही डॉल्बी एटमॉस का भी सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, मतलब ऑडियो के मामले में भी दोनों एग्जैक्टली सेम। पोर्ट्स की अगर बात करें, इस बार आपको मिलेगा 3.5 इंच जैक, लास्ट बार आपको कोई भी 3.5 इंच जैक देखने को नहीं मिलेगा, और दोनों भी जो फिंगरप्रिंट सेंसर वो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। तो इस मामले में पोको F5 डेफिनेटली बेटर। और नेक्स्ट अगर OS के बारे में बात करें, लास्ट बार का फोन लॉन्च हुआ था एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स के साथ, इस बार का जो पोको F5 वो लॉन्च हो रहा है एंड्रॉयड 13 आउट ऑफ द बॉक्स के साथ। लास्ट बार आपको मिलेगा MIUI वर्शन 13, इस बार का फोन लॉन्च हुआ है MIUI 14 के साथ, मतलब OS के डिपार्टमेंट में ऑब्वियसली पोको F5 बेटर है। और इसके बाद दोनों के 5G कनेक्शन की अगर बात करें तो पोको F5 और पोको F4 दोनों भी आपको मिलेगा टोटल 12 5G बैंड। और फाइनली अगर दोनों के प्राइस के बारे में बात करें, पोको F5 का दो वेरिएंट है 30,000 और 34,000 रुपीस, और पोको F4 का टोटल तीन वेरिएंट है 28,000, 29,000 और 30,000 रुपए, मतलब 30,000 पे आपको मिलेगा पोको F4 का 12 256 GB वाला वेरिएंट। तो आप बड़ी इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो सेम प्राइस पॉइंट में दोनों में से कौन सा बेटर है, मतलब ऑब्वियसली पोको F5 बेटर है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप पांच मामले में अपग्रेड मिल रहा है कि नहीं, जैसे कि इस चार्ट में देख सकते हैं। अगर आप लास्ट बार का जो पोको F4 अगर आप उसके साथ ही जाएंगे तो आपको मिलेगा ग्लास बॉडी, और एक चीज मैं लिखना भूल गया था कि आपको मिलेगा 12 256 GB वाला वेरिएंट, लेकिन उसी जगह पे अगर आप इस नए वाले पोको F5 पे साथ जाएंगे तो आपको मिलेगा बेटर क्वालिटी CPU, ज्यादा बैटरी लाइफ और 3.5 इंच जैक। तो मतलब देखिए, वीडियो का आखिर में चीज करना चाहूंगा, जो लोग नया फोन लेना चाहते हैं या फिर कोई दूसरे ब्रांड का कोई दूसरा फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप उसके मुकाबले इस पोको F5 को चूज करेंगे आपके लिए बेटर चॉइस होगा। लेकिन ऑलरेडी जो लास्ट बार का बहुत बढ़िया स्मार्टफोन जो कि पोको F4, अगर आपके पास वो वाला स्मार्टफोन है तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसे एक्सचेंज करके पोको F5 में शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको बस तीन मामले में ही अपग्रेड आपको मिलेगा। तो भी आप मुझे कम से जरूर बताना कि क्या पोको F5 चूज करेंगे या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी पोको F4 है आप उसे बेचना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे जो क्वेश्चन लगाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।